ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आपको लगता है कि आपकी बुद्धि किसी ने बांध दी है। अब बुद्धि बांधना, पहले तो आप ये समझ लें, जब हमारे मन में बहुत ओवरथिंक हम कर रहे हैं, किसी विषय को लेकर इतना सोच रहे हैं कि बस सोच रहे हैं। दूसरा है कि हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, मतलब इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही है। तीसरा, हम जो चीज़ें सोच रहे हैं, जो चीज़ें समझ रहे हैं, दिमाग कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है। जितने सारे विचार आ रहे हैं, नकारात्मक हो रहे हैं, बहुत तनाव में फील कर रहे हैं, मन किसी काम को करने में नहीं लगता। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम जो उद्देश्य के लिए लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल हताश और निराश हो जाते हैं। तो हम बहुत एक भ्रम की स्थिति में बन जाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, किस पर विश्वास करें, किस पर नहीं करें, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। तो ये जितनी सारी दिमाग की नकारात्मकता जो हमें डिसीजन नहीं लेने पाती है, जो हमारी लाइफ में हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, और हम बस इस पूरे मकड़ जाल में फंस जाते हैं, इसे ही कहते हैं बुद्धि को बांध देना, अर्थात बुद्धि का बंध जाना, चीज़ों को नहीं सोच पाना, चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाना। ऐसी स्थिति अगर आपके जीवन में वर्तमान में है तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। जब आपका दिमाग किसी काम, मतलब काम में नहीं लग रहा हो, कोई काम करने का मन नहीं हो रहा हो, बार बार बेचैनी, परेशानियाँ, शारीरिक परेशानियाँ, मानसिक परेशानियों से हम बस जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो आपको वो तरीके बताएंगे इस पूरी परिस्थिति से बाहर निकलने का। तो यहाँ से इस वीडियो को पूरा देखना, चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसकी फीस और शुल्क लागू है। दोस्तों, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान पता होना अनिवार्य है, या आप प्रश्न कुंडली से अपने जवाब प्राप्त हमसे कर सकते हैं। कभी भी ऐसी स्थिति आपके साथ बने तो बहुत ज़्यादा सोचना, और जो भी आप चीज़ें मन में सोच रहे हैं वो सब झूठ है। ये खुद को समझा लें कि जो भी चीज़ें हम सोच रहे हैं ये सब झूठ है, ये हमारी गलत फहमियाँ हैं। तो इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगी, क्योंकि इस तरह की स्थितियों को राहु से जुड़ी हुई परेशानियाँ कहते हैं। और राहु जो शांत होता है, वो भगवान शिव के रुद्राभिषेक से, भगवान शिव की उपासना करने से, शिव चालीसा का पाठ करने से, या शिव जी के 11वें रुद्र अवतार भगवान हनुमान जी महाराज की आराधना करने से। तो हनुमान जी को नियमित रूप से आप दर्शन करें, मंगलवार शनिवार के दिन चोला चढ़ाएं, और अपने गुरु मंत्र का या हनुमान मंत्र जिसे कहते हैं सीताराम, उनका जप ज़्यादा से ज़्यादा करें। बहुत ज़्यादा सोचे नहीं, खुद पर विश्वास रखें, और जितना हो सके खुद को मोटिवेट रखें, और सेल्फ मोटिवेट की ओर आप अग्रसर हो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, मोटिवेशनल आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें।